मंदिर का जीर्णोद्धार। बागमारा के माथा बांध बस्ती में आज शिव मंदिर के जीर्णोद्धार का लेकर भूमि पूजन किया गया। वर्षों पुराने इस मंदिर की हालत काफी जर्जर हो चुकी थी, जिसको लेकर ग्रामीणों की इच्छा थी कि मंदिर को फिर से बनाया जाए। आज इस मौके पर बागमारा विधायक ढुल्लू महतो की धर्मपत्नी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होकर भूमि पूजन में भाग लिया। इस मौके पर माथा बांध के कई प्रबुद्ध नागरिक भी उपस्थित रहे। सभी ग्रामीणों के सहयोग से मंदिर का जीर्णोद्धार होना है, जिसको लेकर तय योजना के तहत जल्द ही निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, ये पुराना मंदिर है जो जर्जर हो चुका है, तो भगवान जी को नए जगह लाने के लिए यहाँ के पूरा माथा बांध के सारे कमेटी के लोग, यहाँ के पूरे गांव के लोग सब चाहते थे कि भोले बाबा को एक अच्छा स्थान दिया जाए। और आज तो माता का आज नवरात्रा का पहला दिन है, तो इससे शुभ दिन तो और हो नहीं सकता था, इसलिए आज के दिन इन लोगों ने चुना कि हम लोग आज भोले बाबा को एक नया स्थान। हम लोग तो ऐसे भगवान को कुछ दे ही नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो मंदिर इस तरह जर्जर हो चुका है वो तो देख के सबको दुख होता है, तो थोड़ा सा भगवान के रहने के लिए सुरक्षित स्थान किया जाना चाहिए, सबका डिमांड था। तो हम लोग भी बोले कि नहीं, बहुत अच्छा ये सोच है, ये समाज के लिए भी बहुत अच्छा एक सोच रखे हैं यहाँ के सारे नौजवान भाई लोग, तो बस उसी के लिए हम लोग आज यहाँ पे उपस्थित होकर आज भूमि पूजन का काम किया गया कि एक अच्छा सा यहाँ पे शिव मंदिर बने। और जिस तरह से यहाँ के सारे समाज के लोग आगे आके बढ़ चढ़ के अपना अपना भागीदारी दे रहे हैं कि होंगे ही, और भोले बाबा का आज तो एक शुभ दिन और भी है कि जो गोरीनाथ धाम है हम लोग का चिड़का में, उसका भी आज पूजा का दिन है, तो भोले बाबा का भी दिन है, माँ पार्वती का दिन है, तो इससे अच्छा दिन और कुछ हो नहीं सकता था। बागमारा विधानसभा के सारे यहाँ के जनता को मैं अभी कोरोना काल में तो यही संदेश देना चाहती हूँ कि सब लोग अपना अपना जो कोरोना में इतना दिक्कत आ रही है तो थोड़ा पालन करें, जो घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाएं, सैनिटाइजर लगाएं, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और कोरोना से को हमारे यहाँ झारखंड से ही नहीं, हमारे पूरे देश से कैसे कोरोना ख़त्म हो, इसके लिए भी हम लोग सभी को मिल के सोचना होगा, ताकि आने वाले दिन में हमारे देश से कोरोना ख़त्म हो चुका होगा।